हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी के बारे में, कंपनी के बारे में। ये बात जान लो, देख लो पूरी जन्म कुंडली आज ही इसकी, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, अगर बाई किया है तो देख लो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी का एक भी यूनिट है ना, तो ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आज इसका देखो फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि कंपनी आखिरकार है कैसी। देखो 311 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी ए रेशियो है 16, और यहाँ पर देखो आर ओ सी है 9.48%, डेप्ट है 34 करोड़ का, लेकिन रिजर्व 101 करोड़ का है। तो ये मान लो डेप्ट फ्री कंपनी है, प्लीज नहीं है। प्रमोटर के पास में 28% की हिस्सेदारी है, डीआई वाले नहीं है, एफआई वाले नहीं है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्निंग पर शेयर 24 पैसा है। करंट एसिड 128 करोड़ का है, कंपनी में कचरा है 37 करोड़ का, टोटल एसिड 256 करोड़ का है, और शेयर की बुक वैल्यू है 2.20 रुपये, करंट प्राइस है 3.70 रुपये। 52 खाई इसका देखो 6 रुपये है, और यहाँ पे देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स है 27-28%, सेल्स ग्रोथ इसकी 53-54% है। नेट प्रॉफिट इसको हुआ था देखो 19-20 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे तो देखो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्यों? डेट फ्री और प्लीज फ्री कंपनी है, केस भी पड़ा है कंपनी में, एसिड भी है कंपनी में, कचरा भी कंपनी में कम है, और इसकी देखो सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, क्वार्टर वन क्वार्टर सेल्स भी अच्छी है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा दे रही है, और आपको ये कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है 50%, क्योंकि 6-7 रुपये चला गया था और 3.70 रुपये में मिल रही है, अपनी बुक वैल्यू के पास में मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं कंपनी में। थोड़ी डिटेल और ले लेते हैं। देखो 3.80 रुपये का हाई बनाया था, 3.70 रुपये का लो बनाया था, ये लो में क्लोजिंग दी है इसने। अब देखो दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी है, इनका भी क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, सभी कंपनियों का आ रहा है, कभी भी आ सकता है। यहाँ से देखो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक बुक्स बना रहा है। देखो यहाँ पर 3.50 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ऊपर के लेवल में हो तो आप 3.50 रुपये में अगर मिलता है तो एवरेज कर सकते हो, और फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो 3.50 रुपये में आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, भैया ये शेयर भी रिटर्न निकाल के दे देगा, क्योंकि डिस्काउंट में वैसे ही मिल रहा है आपको, 8 रुपये का शेयर आ 3 रुपये मिल रहा है। फिर भी देखो इतनी गिरावट के बाद में भी सभी इंडिकेटर इसके स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, मतलब सभी लोग स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, और जितना देखो मार्केट में माल आ रहे हैं ना, 60% लोग हैं जो घर पे भी लेके जा रहे हैं, ये बात भी अपन को ध्यान रखना है। और कंपनी पूरी स्टेबल है, देखो दिसंबर 2020 से प्रमोटर के पास में 28% की हिस्सेदारी है, अभी भी बनी हुई है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी एक तो पूरी स्टेबल है, प्लस कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। क्यों? अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता ना, तो प्रमोटर कब के 9-2-11 हो जाते, 1 महीने पहले 2 महीने पहले माल बेच के रफू चक्कर हो जाते, तो अपन को ये है श्योरिटी मिल गई कि भैया कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो अपन को क्या है, थोड़ा होल्ड करना है, एक बार होल्ड करके चलना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरेंगे क्यों, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब इसका पॉजिटिव है, सब कंपनी अच्छा कर रही है। प्लस अभी देखो मार्केट में तबाही मची थी, वार शुरू था, तो सभी शेयर गिरे थे, ये भी गिर रहा है, तो भैया अपन को डिस्काउंट में मिला है शेयर। अब हम 8 रुपये पर लेने के लिए मर रहे थे, वो शेयर अपन को 3 रुपये पर लेने मर रहे, तो हम डर रहे हैं, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पर उठा सकते हो, बस होल्ड कर लो, रिटर्न आपको निकाल के दे देगी। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।